रिसेंटली में भी नई मिजाज साहब ने जिक्र किया कि चैनल 92 की तरफ से हमारे बारे में कुछ खबरें नशर की गई, हमें क्लैरिफिकेशन देने का मौका नहीं मिला, अवल तो हमने जरूरी नहीं समझा। आप अल्लाह पाक के इस ग्रुप के साथ जो एक पार्टनरशिप है हमारे जनरल तारक राय साहब हैं, जनरल साहब हैं, जिनके साथ हमने स्कूल का एक सिलसिला शुरू किया, अल्लाह पाक ने उनकी संस्कृति में सुनो चैनल लॉन्च करवाया, ये हमारे ग्रुप का हिस्सा है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं कि हमारा अपना ही चैनल है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस चैनल के आने से जो मिर्चें लगी हैं कि उसके नतीजे में वो रिपोर्ट चली है, मेरे बहुत दुख है कि हारून रशीद साहब को छोड़ के सुनो चैनल पे चले गए हैं, ऐसे में वो दुख है जिसका इजहार उन्होंने यूनिवर्सिटी में निकाला। तो पहले तो ये बैकग्राउंड आपको समझना चाहिए कि उनको इतनी तकलीफ क्यों हुई है। एकदम प्रोजेक्ट के 5 साल बाद जब वो अपने पहले 5,000 कस्टमर्स को डिलीवरी दे चुका है, उस वक्त वो अप्रूवल के हवाले से भी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनिशियली हमें प्लानिंग परमिशन ग्रांट की और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी को अब से कोई 6 महीने साल पहले इमरान खान साहब ने अख्तियार दिया और इसी दौरान फाटा को ये अख्तियार दिया गया कि वो अप्रूवल प्रोसेस कर सकता है किसी भी एरिया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो इसरो के बगैर लक्ष्य है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, उन्होंने ये तहिया किया पर उन्होंने किसी को इस शहर में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने नहीं दिया। और उसकी मिसाल ये है कि जिस वक्त रिंग रोड के स्कैंडल का तस्करा हुआ तो सवाए एक प्रोजेक्ट के, और वो प्रोजेक्ट वो है जिसकी जमीन पे हम खड़े हैं, इसके सवाए हर प्रोजेक्ट का उस रिंग रोड स्कैंडल के साथ जिक्र किया गया। और ये वो वक्त आ गया हुआ है कि अब हम ऐसा ऐसा एक नकाब करना शुरू कर दें कि इस तमाम जो हलचल मचाई जाती है इस मुल्क में और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ग्रो नहीं किया जाता। मैं बड़े कसूर से आप सब की मौजूदगी में ये कह रहा हूँ कि इस सब कुछ के पीछे मलक रियाज साहब है, और मलक रियाज साहब किसी और को इस मुल्क में ग्रो करता देख नहीं सकता, और यही वजह है कि हमारे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट पिछले 4 साल से जो रेजिस्टेंस फेस की जा रही है, इस शहर का हर एक अफसर बिकाऊ है और वो उनका लगवाया हुआ है, और वो बाय नेम है कि कहता है कि आपके अप्रूवल इसलिए भी प्रोसेस हो रही कि पहले आप मलक रियाज साहब को राजी कर लें, वो राजी होंगे तो हम आपकी अप्रूवल प्रोसेस करेंगे। तो मैं इस सारी महफिल को अरे मैदान में ये बता रहा हूँ कि इस सारी कार्यशाली के पीछे एक और एक सिर्फ शख्सियत है, वो मलक रियाज, और इस शहर में कोई और प्रोजेक्ट भी अगर अप्रूव नहीं हो रहा तो उसके पीछे भी मलिक साहब है, उनके लगाए हुए वो अफसरान है जो इन सीटों पे बिठाए जाते हैं, और फिर उनकी भले वो माइंड करें या ना करें, आज से 3 दिन पहले तक इमरान खान साहब ने भी इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल की मुखालफत की, जबकि परवेज राय साहब ने कोशिश की कि हमें अप्रूवल मिल जाए। जब इस लेवल की रेजिस्टेंस हो तो जिस तरह खान साहब एक चेंज का एजेंडा लेके चले हुए हैं, हम भी ये एजेंडा लेके चले हुए हैं कि इंशाल्लाह इस मुल्क में रियल एस्टेट में चेंज लेके आएंगे, रियल एस्टेट को इतना फरवानी और इतना सस्ता कर देंगे कि हर किसी को अवेलेबल होगा, और ये जंग हम लड़ते रहेंगे जब तक इंशाल्लाह हमारी जान में जान है और आपकी खून का खतरा है। क्योंकि ये जंग इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नाम निहाल मगर बच्चों को नहीं है के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है जो इस मुल्क में प्रेजेंट है कि आम बंदे को कुछ करने ही नहीं देना, एक आम फर्द को अच्छी कीमत पे वो डेस्टिनेशन नहीं अचीव करने देनी जो यहाँ पे आपको 2-2 करोड़ में एक प्लॉट अवेलेबल करता है, ब्लू सिटी उसे अच्छी फैसिलिटीज उसे 1/10 कीमत पे वहां पे दे दी, हमने अपना सारा प्रॉफिट आप लोगों को दे दिया। और वो इतनी इंटेंस किस्म की कैलकुलेशन है, यहाँ एक साथ बैठे हुए जो मेरे माम बाप को मेरे बाप देखते हैं अकाउंट्स के हवाले से, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मलिक साहब को पता कर जाए, तो हम डेली बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करके सुनते हैं कि क्या जितनी डिस्काउंट हम दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना पॉसिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सारी कैलकुलेशंस करके हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमने सारा बेनिफिट वो भले डेवलपमेंट चार्जेस में हो, वो भले लैंड कॉस्ट में हो, वो हमने अपने रेंटर्स को अपने एंड यूजर्स को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ
शायद मेरा उनका नाम लेना बुरा महसूस किया कि मैंने सजाई और आप किसी ने तो बयान करना है भले उसका बाद में अच्छे शरीफ जैसा हो कोई बात नहीं। ये दुनिया पानी है सबने यहाँ से जाना है और हमें भी अगर ये जंग लड़ते हुए जाना पड़ा तो कोई उसमें मुजायका नहीं है और ये वो हक और सच का सफर है जो कारोबार से शुरू होता है और वो आपके मुल्की मामला के हर पहलू में इन्वॉल्व है। ये अगर हम जिक्र नहीं करेंगे हम बताएंगे नहीं तो ये ठीक नहीं होगा और ये ठीक नहीं होगा तो आपका मुल्क सिंगापुर नहीं बनेगा आपका मुल्क दुबई नहीं बनेगा आप कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसी तरह महकूम और किसी भी कौम रहेंगे और आप डिपेंडेंट रहेंगे हम जैसे चंद लोगों पे या अपने मगर बच्चों पे कि वो इस मुल्क को कोई तरक्की दे रहा है।